हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लव शिनाई शो। तो आपको हमारा मदर्स डे का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो आज मेरे हाथ एक जादुई पेंसिल लगी थी, तो चलिए आइए देखते हैं मैंने उस पेंसिल के साथ क्या किया। ये कहानी एक परी नाम की लड़की की है। एक दिन जिसके हाथ जादुई पेंसिल लग जाती है, तो चलो आओ देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। परी बेटा चलो उठ जाओ। परी बेटा ब्रश कर लो और टेबल पे दूध रखे उसको पी के बगीचे से पापा को बुला लो, खाना रेडी हो गया। ठीक है, तो जल्दी से उठ जाओ बेटा। मैं पापा को बगीचे से लेके आती हूँ। अरे परी बेटा पहले दूध तो पी लो, अब फिर जाना पापा को। ठीक है मम्मी। मम्मी ना दूध पी लो, अब जाऊँ? हाँ ठीक। अरे दोस्तों तुम क्या कर रहे हो? हेलो परी, हम लोग खेल रहे हैं। दोस्तों रुको, एक मिनट में पापा को बगीचे से बुला के लाते हैं। ठीक है। पापा जल्दी चलो, खाना तैयार हो गया और मम्मी आपको घर पे बुला रही है, जल्दी आओ। ठीक है बेटा, तुम चलो, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है पापा। बचाओ, मुझे बचाओ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है उस तरफ से आ रही। चुप चल के दिखते। ये तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम इस पेड़ को क्यों काट रहे हो? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि इस पेड़ को कितना दर्द हो रहा है? रुक जाओ, पेड़ क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि पेड़ को नहीं काटना चाहिए? यही एक चीज है तो हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। यही तो हमको सांस और ऑक्सीजन देती है भाई। ये पेड़ मत काटो, ये पेड़ ही तो है जो हमारे पर्यावरण को संभाले हुए है, और तुम इस पेड़ को ही काट रहे हो। मत काटो इस पेड़ को। तुम जान के भी ना अनजान क्यों बन रहे हो? इस कोरोना जैसी बीमारी में लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हो, और तुमको फ्री में जो ऑक्सीजन मिल रहा है तुम्हारे बारे पेड़ से, तुम उसको अपने हाथों से ही क्यों खत्म कर रहे हो? अब भी आप नहीं जागोगे तो कब जागोगे? बिटिया हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती अगर तुम हमें नहीं रोकती तो। अच्छा हुआ कि तुमने मेरी ये बंद आंखें खोल दी, मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, उस पेड़ से मांगो जिसको आप अभी काट रहे थे। ये पेड़ हम लोग के लिए ऑक्सीजन लाता है, इसके अच्छे काम को भी हम खत्म कर रहे हैं। अगर अभी हम लोग नहीं जागेंगे तो बड़ी देर हो जाए। बेटा आपने आज मेरी जान बचाई है, थैंक यू। कोई बात नहीं पेड़ अंकल, ये तो हमारा फर्स्ट था। आप हमें ऑक्सीजन देते हैं तो हमें भी आपको बचाना ही था ना। थैंक यू बेटा, मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरी जान तुमने बचाई। तुम्हारी इस अच्छाई के लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, ये लो। पेड़ अंकल आपने मुझे ये साधारण सी पेंसिल क्यों दी? बेटा ये कोई साधारण पेंसिल नहीं है, ये एक मैजिक पेंसिल है। मैजिक पेंसिल? हाँ बेटा मैजिक पेंसिल, इससे आप जो भी ड्रॉ करोगे वो असली में बन जाएगा। क्या ऐसा सच है? जी बेटा ये सच है, पर इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है पेड़ अंकल। ध्यान रखना कि इसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो। ठीक है पेड़ अंकल, मैं इसका ध्यान भी रखूंगी और इसका सही इस्तेमाल भी करूंगी। ठीक है चलो मैं चलती हूँ। परी परी चलो आजा हमारे साथ खेल ले। नहीं अभी मुझे कुछ काम है, मैं बाद में कल आऊंगी शायद।
क्या हो गया है आज परी को? आज पर उसे खेलने क्यों नहीं आ रही है? अभी तो बागीचे में जा रही थी तो बोली कि आती हूँ पापा को बुला के, और अभी बोलती है कल आऊंगी। क्या हो गया है परी? और परी जादुई पेंसिल लेकर अपने घर आ जाती है। आज तो तुम्हारा बर्थडे है सुनो, हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए। पेंसिल घुस जाओ। क्यों बर्थडे को? एक जाम दे रहे हो। क्यों? एक जाम भी ले ली दो ने लेस। ठीक है तुम दो मिनट रुको, मैं अभी अब से निकले डॉल कहाँ से लाऊं? अरे इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो अपनी जादू पेंसिल से ड्रॉ कर सकता हूँ। तो गया अब कितने डॉल आते जादू पेंसिल है, इससे तो इतनी बड़ी और सुंदर डॉल आ गई। सुनो देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। शनाया, शनाया। हाँ बोला दीदी। आप मुझसे गुस्सा आना डॉल के लिए? हाँ। अपनी आँख बंद करो और हाथ आगे करो। ये लो तुम्हारी डॉल। ये वाली। टेबल पे कुछ अच्छा नहीं आ रहा। चलो न्यूज़ कहती। गरीब लोगों को सड़क पे भूखा रहना पड़ रहा है। अब मैं क्या करूँ? आइडिया, मेरे पास तो जादू पेंसिल है, उससे मैं गरीबों लोगों के लिए कपड़े और खाने बनाती हूँ जिससे वो लोग भूखे ना रहे। चलो मैं इस मैजिक पेंसिल से लोगों की मदद करती हूँ। चलो मैंने इतने सारे बॉक्स बना लिए, अब मैं इनको गरीबों में बांट के आती हूँ। मैंने गरीबों में बॉक्स तो बांट दिए, अच्छा लग रहा है। चलो मैंने पेंसिल का तो सही इस्तेमाल किया। चलो अब मैं बैग लेके अपने घर चलती हूँ। दोस्तों मुझे लगता है ना परी के पास जादुई पेंसिल है जिससे वो जो चाहे बना सकती अच्छा, है। अच्छा जादुई पेंसिल, रानी को बताता हूँ। रानी साहिबा की जय हो। हाँ बताओ मंत्री, तुम क्या ताजा खबर लाए? रानी साहिबा हमने आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लाई है। हमें पता चला है कि हमारे राज्य में एक बच्ची है जिसके पास कोई मैजिक पेंसिल है। क्या? हाँ रानी साहिबा, मैजिक पेंसिल। ऐसी बातें तो उसे अभी के अभी अपनी मैजिक पेंसिल के साथ मेरे राज दरबार में पेश करो, ये मेरा तुमसे आदेश है। जो हुकुम रानी साहिबा। जाओ। और फिर मंत्री परी को रानी साहिबा के यहाँ ले आता है। आपके आदेश अनुसार हमने उस लड़की को और उस पेंसिल को ले आया है। ठीक है, ये वो लड़की। लड़की तुम मुझे अपनी ये जादुई पेंसिल दे दो, ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है। लाओ मेरे हाथों में इसको दे दो। लाओ। यही वो जादुई पेंसिल है जिससे मैं सब कुछ हासिल कर सकती हूँ। सबसे पहले मैं इससे एक बड़ा सा हीरो का हार बनाऊंगी। मंत्री मुझे कागज ला के दो।
जाने क्यों नहीं आ रहा? मैंने तो इसमें हार भी बना दिया, फिर भी क्यों नहीं आ रहा? ए लड़की, मेरे लिए ये हीरो का हार क्यों नहीं बन रहा? अगर तूने मुझे अपना राज नहीं बताया तो मैं तुझे कारागार में डाल दूंगी। हे जादू पे, मुझे इस मुसीबत से बचाओ और जादुई पेंसिल के रक्षक हो। ये पेंसिल उस लड़की को लौटा दो और उसे अपने घर जाने दो। रानी, आपको इस पेंसिल से कुछ हासिल नहीं होगा क्योंकि आप एक राजकुमारी हो और आपके पास सारा सुख सुविधा है। आपको इससे दुख के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। इस पेंसिल का काम सिर्फ जरूरतमंद लोगों के लिए है। आप इस पेंसिल को उस बच्ची को जल्द से जल्द लौटा दो। आकाशवाणी, मुझे माफ कर दो, मैं अभी उस मंत्री को बोल के उस लड़की और ये जादुई पेंसिल को उस लड़की के साथ उसके घर भेज दूंगी। मुझे माफ कर दो आकाशवाणी। ठीक है मंत्री, तुम अभी के अभी इधर आओ। मंत्री, तुम ये जादुई पेंसिल उस लड़की को वापिस दे दो और उसको अपने साथ घर ले जाओ और मेरी तरफ से माफी मांग लो और उसको गरीबों की मदद करने दो। लो ये जादुई पेंसिल। थैंक यू रानी साहब, मुझे मेरी पेंसिल वापिस लौटाने की। परी हंसी खुशी अपने घर लौट आती है और फिर से लोगों की मदद करती है। फ्रेंड्स, आपको हमारा जादुई पेंसिल की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? हाँ, तो कभी आप जिंदगी में लालच मत करना और हमेशा ईमानदारी के साथ चलना, ठीक है? और अपने हरे भरे पेड़ों को कभी मत काटना क्योंकि वही है जो हमें जीवन देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना और हमेशा एक दूसरे की हेल्प करना। बाय।